छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर रहे। वे अंबिकापुर के हॉकी स्टेडियम पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ विषय पर युवाओं से चर्चा की है। युवाओं के लिए संचालित योजना और आकांक्षाओं पर युवाओं से सीधी बात की है। राज्यगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जलोधर गवाल ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी कविता भी सुनाई और इसके माध्यम से किसानों को लगातार मेहनत करने, अनाज उगाने और नशे का त्याग करने का संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगले सत्र में प्रदेश के सभी जिलों में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट कॉलेज खोले जाएंगे। छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री ने अगले सत्र से सरगुजा संभाग के सभी जिलों में शासकीय बीएड कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 377 अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। करीब 300 हिंदी माध्यम के आत्मानंद स्कूल हैं। इन स्कूलों के छात्रों के बेहतर अध्ययन के लिए ये कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं की मांग पर कई घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम सिंहदेव की मांग पर अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में 100 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम और लाइब्रेरी की घोषणा भी की है। छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस विषय पर अनेक विचार यहां आए और पहली बार पांच संभाग में पहली बार दो बच्चियां एक साथ भाषण कर रही थी, वो भी सुनने को मिला। और हमारे दृष्टिबाधित बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत भी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व आप सब ने केक भी काटा और विश भी किया, इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई। और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है, जैसे अभी खेलकूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 नए महाविद्यालय खोले गए, खासकर दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, सर्वाधिक इन्हीं संभाग में महाविद्यालय खोले गए, दो विश्वविद्यालय खोले गए और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज चार हमने इन पांच वर्षों में खोले और चार की स्वीकृति, मतलब आठ मेडिकल कॉलेज अब हमारे छत्तीसगढ़ में और खुलेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभी भाषण में बात कही कि महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा 12वीं के बाद बच्चों के पास रोजगार होना चाहिए। और पूरे देश में हमने एक नवाचार किया, छत्तीसगढ़ में जो 10वीं पास करेंगे तो 11वीं और 12वीं में, उसी के साथ 11वीं में आईटीआई भी प्रशिक्षण हम देंगे, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होगा। और 12वीं पास करते करते उसके हाथ में दो सर्टिफिकेट होंगे, एक 12वीं का और दूसरे आईटीआई का।